सर आप भी तो बोलते हो जोड़ जोड़ में 500 रुपए चार्ज करता हूँ, सेल्फी के चार्ज करता है भाई। वो बाद में लोगों ने पेटीएम करा लेते, मुझे पता लग गया। लोगों ने मेरे से फोटो खींचना ही बंद कर दिया। ये 350 किलो वेट है, 400 तक जाऊंगा, बस 400 के ऊपर नहीं जाऊंगा। इसी से मैक्सिमम रेपिटेशन निकालने की कोशिश करूंगा। थ्री फोर फाइव, पेन हो रहा है। ये सबसे बेस्ट थेरेपी होती है, कपलिंग थेरेपी बोलते हैं इसको। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग? थर्सडे मॉर्निंग, आज है मेरा लैग डे। हमारे जिम में हमारी क्या टेक्निक है लैग को बड़ा करने की? क्या है लैग के राज? क्या है बादल भाई के लैग के राज? अगर आपको जानना है तो लैग को लास्ट तक देखो। देखो भाइयों, ऐसे ट्रेनरों को बिल्कुल फॉलो मत करो जो सुबह सुबह चाय पीते हैं। चाय आपकी हड्डियों को ख़त्म कर देगा, गैस बनाएगा, बदहजमी, ये सब बीमारी निकलेगी। देखो जो बाल गायब हो गए ना इनके, इसीलिए गायब हो गए क्योंकि चाय बहुत पीते हैं ये। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये काला चश्मा लगा रखा है। चाहिए ना काला चश्मा। ये अच्छा ट्रेनर नहीं है भाई, इनकी बात मत मानो। लेग को वीक में दो बार ट्रेन करता हूँ, अंदर की बात बता देता हूँ आपको। इसमें एक हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, इसको ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ एक वीक में एक बार, एंड एक बार क्वाड मसल को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 70 kg, तो एंकल से ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप इसको एंकल पर रखोगे तो सीधा ये नी पर आता है, ये नी पे नहीं आना चाहिए। ऊपर जाके होल्ड करो इसको, नीचे लाओ, होल्ड, नीचे होल्ड, 16 17 18 19। अब यहाँ से स्टार्ट होती है बॉडी बिल्डिंग, मसल फेल हो गया। ये जो लास्ट के 5 रेपिटेशन या 4 रेपिटेशन आते हैं, इसी से मसल बनेगा। तो ये तब तक करना है जब तक मसल फेल ना हो जाए। क्या मतलब होता है फेलियर रैप का और कितने रेपिटेशन आने चाहिए? पहला 70 का फेलियर रैप, 22-23 रेपिटेशन आए थे। दूसरा 80, तीसरा 90, उसके भी फेलियर रैप आए थे। 90 के 17 आए फेलियर रैप तक, 17 रेपिटेशन। अब हम लगाएंगे 100 kg पूरा वेट। 7 8 9 वेट कम करूँगा थोड़ा सा, 90 kg, फिर फेलियर रैप। 1 2 3, फिर वेट कम करना है, फिर फेलियर रैप। 80 kg, 1 2, और वेट कम करना पड़ेगा। 1 2 3 लास्ट सेट ड्रॉप सेट, वेट कम करते जाओ, फेलियर रैप तक लेके जाओ, फिर देखो कैसे नहीं मसल बनता। अभी देखो, इधर दिखाओ ज़रा, लेग दिखाओ, देख रहे हो अलग ही साइज निकल गया आएगा। स्क्वाट मारते समय छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। अब लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करो तो 100 kg, जैसे मेरा वेट है 100 kg और मैं वेट मार रहा हूँ 100 kg, तो 100 kg से आपने नी रैप लगाने स्टार्ट कर देना है पहला। दूसरा ये बेल्ट, ये बेल्ट मस्ट है, कमर इंजर्ड नहीं होगी। रॉड को आपने यहाँ ना रखने के बजाय यहाँ पर रखना है। ये देखो, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो हम करते हैं। यहाँ पर रखो इसको, हाथ को ग्रिप अच्छी रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब स्क्वाट मार रहे हो वेट कितना भी हो
पूरा डीप तक जाना है, यहाँ यहाँ से जंप लेना है और इसको सीधा टाइट ना करके बाहर को टाइट करना है। इससे आपके ग्लूट्स एंड क्वाड दोनों पे जो है फर्क पड़ेगा। अब लास्ट सेट में जाऊंगा 150 किलो। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने रॉड को यहाँ पर रखना है। अभी कई वो लोग बोलेंगे हम तो यहाँ मारते हैं यहाँ रखते हैं, वो आपका अपना कॉल है। बट जब हम इसको आगे रखते हैं तो इससे क्या होता है, हम आगे झुक जाते हैं और ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हो हैवी वेट लिफ्ट करना तो कंधे से तो आपने उठाना नहीं, उठाना तो लेग से ही है। इसकी ग्रिप यहाँ पर रखो, 3, 4, 5, 6, 7। ऐसे करो फिर कैसे नहीं बनती लग बताओ मुझे। तो कई लोग आधा आधा मारते हैं, आधा मार के फायदा नहीं है। अगर आप इसमें जब तक यहाँ तक नहीं गए कोई फायदा नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 350। आज सोचा था 600 किलो तक जाऊंगा, बट ये लेग मेरा इंजर्ड है, जैसा आपको पता है काफ़ी टाइम से इंजर्ड है ये लेग। तो हैवी वेट स्क्वाट मारने में थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ है यहाँ पर, अभी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये 350 किलो वेट है, 400 तक जाऊंगा बस, कोशिश करूँगा। अगर मसल आपका इंजर्ड है भाई तो ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना है, पहले मसल को ठीक करो उसके बाद लिफ्ट करो। ऐसा ना हो जो मसल पहले से इंजर्ड है वो और इंजर्ड हो जाए और आपकी ऐसी हालत हो जाए कि आप लेग ही ना मार पाओ। पेन हो रहा है ये, बहुत दर्द सहना पड़ेगा तब बॉडी बनेगी भाई। बैक इंजर्ड है, लेग इंजर्ड है, लेकिन नो एक्सक्यूज, वर्कआउट करना ही पड़ेगा। लेग में बहुत पेन होने लग गया है, ये पूरा ये जो ये मसल्स है ना, आईटी बैंड बोलते हैं इसको, आईटी बैंड, ये कनेक्टेड होता है यहाँ से और आपको समझ में नहीं आएगा कि पेन यहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है या ग्लूट्स में हो रहा है। ये सारे कनेक्टेड है मसल, यहाँ से आईटी बैंड है ये, तो ये यहाँ से पेन स्टार्ट होता है, यहाँ आगे जो ख़त्म हो जाता है। अब लेग प्रेस 400 किलो लास्ट मारी है, इसमें हल्का वेट मारूँगा, ऐसा ना हो कि कल चलना दुश्वार हो जाए। अब आप ये हालत देख रहे हो कि चढ़ा नहीं जा रहा ऊपर, इतना पेन हो रहा है, लेकिन वर्कआउट तो करना पड़ेगा भाई। ये वीडियो मैं क्यों डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ जो लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, मजाक नहीं है बॉडी बिल्डिंग, बहुत पेन हो रहा है। पूरा डीप तक जाओ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, अगर ऐसी वीडियो डालने के बाद भी आप लोग मोटिवेट नहीं होते हो तो भाई दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। हाँ सर, 6 रेप्स 12 लगाने टोटल, उसके बाद फिर वेट कम कर, फिर 8 रेप। अच्छा ओके, पूरा
नहीं कितना पहले मैं तोड़ दिया सर आपने ठीक है सर कितना सर कितना सर ओके सर घर भी जाना भी गाड़ी चला के ये तो गुरुजी वाली बात हो गई फिर बंगला मिलेगा बैंक बैलेंस गाड़ी मिलेगी चल भाई लगा लकी जैसे मैंने बताया था आपको ये आईटी बैंड मेरा पूरा ईयर वर्क है तो कंप्लीट वर्कआउट के बाद ये बहुत जरूरी है हालांकि लक को रेस्ट देना पड़ता है बट फिर भी मैं रेस्ट कम दे के उसको जो है इलाज करा रहा हूँ उसका तो ये मस्ट है भाई फिजियोथेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी होती है कपलिंग थेरेपी बोलते हैं उसको एंड कभी भी आप अगर इंजर्ड हो चुके हो बैक इंजर्ड हो गई है कुछ भी ऐसा तो ये सिर्फ फिजियोथेरेपी वाले ही बेटर कर सकते हैं वर्कआउट हो गया ख़त्म अब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो उसको ये दर्द है पूरा इसको 14-15 महीने हो गए आई टी बैंड यहाँ से दर्द होता है सर को बताया मैंने कि सर ये दर्द हो रहा है सर कहते हैं कि अच्छा वर्कआउट करो दर्द खत्म हो जाएगा तो मैं कहता हूँ सर आशीर्वाद दे दो आपकी तरह स्ट्रेंथ आ जाए मैंने बोला स्क्वाट लास्ट में करो कम लोड पे काम हो जाए सर आप भी तो बोलते हो झूठ झूठ मैं 500 रुपये चार्ज करता हूँ जो बेफालतू में सर ने बदनाम कर रखा 500 रुपये एक सेल्फी के चार्ज करता है भाई लोगों ने पेटीएम करा तो मुझे पता लग गया लोगों ने मेरे से फोटो खींचना ही बंद कर दिया लोग नहीं तो पकड़ पकड़ के फोटो खींच रहे थे नाम हो रहा था अच्छा खासा सर ने बोला 500 रुपये लेता चलो कोई नहीं इसलिए मैं बदला उतार रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं सर ने ऐसा नहीं बोला रेस्ट देना अभी गेनिंग का टाइम अभी स्टार्ट हो जाएगा प्रो कार्ड की तैयारी 3 से 4 महीने के अंदर फिर से चैंपियनशिप खेलनी स्टार्ट करूँगा 2 से 3 चैंपियनशिप खेलनी सर दो तो एटलीस्ट खेलेंगे ठीक है हम कोई प्रो कार्ड की तरह नहीं जा रहे हम अपना बेस्ट वर्जन लेके आएंगे बस ये टारगेट है आशीर्वाद दे दो सर आप इस बार बोलो प्रो कार्ड आ जाए सर का आशीर्वाद बजरंग बली का आशीर्वाद है जिसके ऊपर हाथ रखा है ना वो आदमी इंसान बन गया और जिसके ऊपर हाथ हटा दिया है जो भाग के चले गए वो बाद में बोलते हैं गलती हो गई जी हमसे
नहीं नहीं वो भी अच्छा कर रहे हैं। वो कहते हैं गलती होगी जी। मेरे पास तो भाई 1 लाख बच्चे आ गए, सारे याद कहाँ खड़े करे हो ना सब लोग। राइट, आएंगे भी जाएंगे भी सब यहीं खड़े हो जाएंगे। तो सर हमें बाहर खड़ा होना पड़ेगा फिर। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग बोर हो जाते हो वर्कआउट देख देख के, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है उसमें, तो मजाक मस्ती भी थोड़ा सा करनी पड़ती है। नमस्ते, सत श्री अकाल। गमछा किधर गया?